तो लिब्रा सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर जो है वो लिब्रा के लिए तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है लेट्स सी अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून के मंथ तुला राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर लिब्रा हाउ विल सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर बी फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर अप्रैल मई जून कैसा रहने वाला है

अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून की एनर्जीज जिस तरह से मुझे दिखाई दे रही हैं अगेन बहुत पावरफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो है एम्ब्र का कार्ड आया है और वो बोलता है जब आप लॉजिकल होते हैं अपनी पावर पे बिलीव करते हैं सिचुएशन का चार्ज लेते हैं और लीडरशिप रोल में आते हैं डिसिप्लिन के साथ तो सक्सेस जो है वो अपने आप आपकी तरफ आती है और अप्रैल इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपको लीडरशिप लेनी होगी जहाँ पर आपको स्टेप डाउन करना होगा और दिखाना होगा कि यस मैं सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं फाइट करने के लिए भी हूँ मेरे अंदर जो एनर्जीज हैं जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली मैटर करता है और मैं उतना ही पावरफुल या उतनी ही पावरफुल जितना आपको दिखाई देता है दूसरा जो कार्ड है अप्रैल में आ, वो कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आ, थोड़ा केयरफुली आपको आगे बढ़ना है और जब आप चार्ज लेते हो सिचुएशन का तो प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तो डि, डिटेल्स में डिटेल्स को मिस नहीं करना है और ये ध्यान रखना है दैट गार्डियन एन एंजल इज वॉचिंग ओवर यू ऑल द टाइम तो आपके लिए एक गार्जियन है जो हमेशा आपके लिए आपके ऊपर नजर रखे हुए है आपका ध्यान रखे हुए है लेकिन आपको प्लानिंग जो है वो अच्छे से करनी है क्योंकि जब बीज बोना होता है उससे पहले बहुत सारी तैयारियां जो है वो करनी होती हैं ताकि वो बीज जो है वो अच्छे से फसल में तब्दील हो और कहाँ कितने डिफरेंस पे कहाँ कौन सा लगाना है वो भी बहुत मैटर करता है तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जब आप एक लीडरशिप के रोल में आएंगे या जब आप अपना वो स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रैल में एक लीडरशिप का रोल या एक स्टेप लेना मई में, में अच्छी तरह इवेलुएट करना सिचुएशंस को और देन मे जून में एक्शन की एनर्जी सो so, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ होना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड रैपिड चेंजेस और मल्टी की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है और यहां पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है तो अप्रैल मई जून बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं अगेन फिर आपके लिए रेब्रा और एक बहुत क्लियर इंडिकेशन मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही है जहां पर कुछ पावरफुल चेंजेस जो है वो जो पिछला पिछला क्वार्टर है वहां से आपके नए क्वार्टर में फ्लो होने वाले हैं क्योंकि वो जो आपकी लर्निंग होगी वो जो आपकी अवेकनिंग होगी वो आपको एक नए स्टेप की तरफ लेकर जाएगी तो अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ सबसे पहले तो आपको पहली चीज का ध्यान रखना है बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ऐसा नहीं है मनी नहीं होगा ऐसा नहीं है फ्लो नहीं होगा मनी भी होगा फ्लो भी होगा लेकिन बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी बहुत सारे एक्शन जरूरी होंगे बहुत सारी कम्युनिकेशन जरूरी होगी तो बजटिंग जो है इंपॉर्टेंट रहेगी और सोच समझ के इन्वेस्ट करना सोच समझ के लेना अपने एक्सपीरियंस को मिस ना करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में भी आ, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं करियर को लेकर कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं किसी बड़े चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कोई पावरफुल लीडरशिप रोल आपको दिया जा सकता है कोई बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है अब जरूरी क्या होगा प्लानिंग करना अच्छे से क्योंकि टाइम बहुत कम होगा एक्शन बहुत ज्यादा होगा चीजें बहुत ज्यादा करनी होगी और जब आपको वो प्रोजेक्ट वर्क या अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ मिलेगी उससे जब आपका एक्शन टाइम शुरू होगा उसके बीच में गैप बहुत कम होगा तो आपको बहुत थॉटफुल प्लानिंग करनी है हर एक चीज के लिए कि अगर ये वर्क किया तो क्या नहीं वर्क किया तो क्या जितनी भी इफ बट होते हैं वो सारे आपको कवर अप करने हैं अपने करियर को लेकर अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने पैशन को लेकर अपने बिजनेस को लेकर अपने वर्क को लेकर केयरफुल प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली आपको उस लीडरशिप के रोल में और ज्यादा पावर देगी और जो भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो आपकी तरफ आएंगे लेकिन मल्टीटास्किंग की जरूरत होगी रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ये जो क्वार्टर है ये इमोशनल होने का क्वार्टर नहीं है ये ऐसा क्वार्टर है जहां पर तोल मोल के बोल अपने पावर या अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा फोकस करना कैसे आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओगे उस पर फोकस करना आपका जो आउटलुक क्या है रिलेशनशिप्स uh, के लिए लोगों के लिए उस पर फोकस करना हो सकता है आपको कहीं लीड लेनी पड़े रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए अगर कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है उसको खत्म करने के लिए तो वो लीड वाली एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है और यहां पर मुझे मैरिज की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है नई रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी दिखाई देती है लेकिन जो भी करोगे सोच समझ के करना है प्लानिंग से करना है बिना प्लानिंग के नहीं करना है और अगर कहीं मैरिज या इस तरह का कोई सिचुएशन है तो बजटिंग बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ध्यान या केयर uh, जो है उसको रखोगे दूसरा मुझे प्रेगनेंसी uh, की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है तो अगेन uh, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना और केयर करना और ध्यान से उस uh, उस चीज को प्लान करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बट ओवरऑल इन चीज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव है जब हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करूं तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से अगर आप किसी तरह का भी डाइट uh, फॉलो कर रहे हो किसी तरह का जिम आपने ज्वाइन किया है उसको आप फॉलो कर रहे हो अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है प्लान है उसको केयरफुली रखना है अगर आप कोई नया आ, आ, नया रूटीन फॉलो करने वाले हो नया डाइट लेने वाले हो एक बार डिटेल से अच्छी तरह समझना है अच्छी तरह पढ़ना है अच्छी तरह समझ के देखना है कि वो आपके लिए हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप कैसे उसको फॉलो कर पाओगे आप जो भी प्रिकॉशन है उसके साथ आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना और अच्छे से इवेलुएट करना कि, किसी भी थेरेपी के लिए जाओगे किसी भी चीज़ के लिए जाओगे इवेलुएट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर भी ऐसा लग रहा है ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन हेल्थ को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी एक्टिविटी के कारण अगर आप पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर ना करो तो आप उस एक्टिविटी को मैनेज ना कर पाओ तो जो ये जो ये क्वार्टर है आपके लिए अप्रैल और मई दो महीने होंगे प्रिपरेशन के जहां पर आपको अपने आप पे अपनी बॉडी पे अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना होगा और जून जो महीना होगा वो फुल ऑन एक्शन का महीना होगा सेलिब्रेशन का महीना होगा कम्युनिकेशन ट्रैवल मूवमेंट सब कुछ होगा तो अगर आप प्रिपेयर हो तो आप वो कर पाओगे तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है बाकी हेल्थ को लेकर ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं मुझे नजर आ रहा है अगर कहीं किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यू होता भी है सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना है सिर्फ एक बार जो डॉक्टर ने कहा उसको फॉलो करके आगे नहीं बढ़ जाना है ठीक है बट ओवरऑल एनर्जी अगेन पावरफुल एंड ब्यूटिफुल आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ अगर नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं बोलूं तो एट नाइन टेन इलेवन और यहां पर फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इलेवन वाह मैं फिर से आपको नंबर फाइव की एनर्जी दूंगी um, uh, क्योंकि कहीं सेवन uh, इलेवन में नंबर फाइव जो है वो छुपा हुआ है और नंबर फाइव की एनर्जी आपकी फर्स्ट क्वार्टर की भी है तो सेकेंड uh, क्वार्टर की भी एनर्जी आपकी नंबर फाइव की um, बनेगी क्योंकि सेवन में से टू माइनस करो अगेन फाइव बन जाता है तो नंबर फाइव की एनर्जी आपकी रहेगी तो नंबर फाइव आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर होगा फिर से और जहां तक रही मेडिटेशन की बात या चक्रा की बात या कलर की बात तो ग्रीन रेड ऑरेंज तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे इवन ब्लू भी आपके लिए अच्छा रहेगा तो कलर्स की कोई ऐसी वो नहीं है वट कलर यू लाइक आपके लिए अच्छे रहेंगे ब्राइट कलर्स बेसिकली और चक्रा मेडिटेशन आपने कोशिश करनी है जैसा मैंने फर्स्ट क्वार्टर में बोला कि अगर हो सके तो आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है बट अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो हार्ट चक्रा और रूट चक्रा और सेक्रल स्वादिष्ठाना सो स्वादिष्ठाना चक्र अनाथा चक्रा और मूलाधारा ये तीन की मेडिटेशन आपने मिस नहीं करनी है जरूर जरूर करनी है और अगर नहीं कर पाओ किसी दिन तो हार्ट और रूट जो है उनको जरूर ध्यान रखना उनकी मेडिटेशन जरूर करना बट अदरवाइज एक क्वार्टर जो है ये बहुत मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में लेकर आने वाला है और अब देखते हैं कि मैसेज जो है आ, इस क्वार्टर का आपके लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है आपके लिए तुला राशि के लिए अप्रैल मई जून के लिए क्या गाइडेंस है गाइडेंस तुला राशि के लिए अप्रैल मई जून ओके सो गाइडेंस वाओ लाइक ए सैड बहुत मेजर चेंजेस हैं इस टाइम पीरियड में आपके लिए टावर अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल सो बेसिकली वो उल्टी है उल्टी लटकी है एक्सरसाइज कर रही है बट बेसिकली व्हाट इज शी डूइंग अनप्लग अब वो ग्रेविटी से दूसरी तरफ है एक तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही है अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है फॉर वट फॉर अ स्पेल सो देर इज समथिंग और यहां पर फूड आपको दिखाई देगा यहां पर टी आपको दिखाई देगी क्रिस्टल्स दिखाई देगी बेसिकली आपके लिए एनर्जी ही ऐसी है जहां पर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कुछ बहुत बड़ा होने के लिए और वो प्रिपरेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और बहुत ज्यादा जरूरी भी रहने वाली है तो फिर से आपकी गाइडेंस ये है कि जो इस क्वार्टर के अप्रैल और मे का मंथ होगा उसको पूरी तरह प्रिपरेशन में लगाना है अपनी फिजिकल बॉडी मेंटल मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ इमोशनल हेल्थ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज अपनी प्लानिंग प्रोजेक्ट जो भी आपको करना है बिकॉज देर इज अ स्पेल दैट इज गोइंग टू कम आफ्टर दैट और जब स्पेल की बात होती है तो बहुत सारी मेहनत लगती है बहुत सारी एनर्जी लगती है बहुत सारा एफर्ट लगता है और उसके बाद एक रिजल्ट आता है जो बहुत पावरफुल होता है सो दैट दैट्स वॉट टावर इज टावर के लिए प्रिपरेशन जो है जरूरी होती है बिकॉज अचानक से जब कुछ होता है अगर आप प्रिपेर्ड हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हो एंड दैट्स द एनर्जी दैट आई सी वेरी वेरी क्लियर एनर्जी कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उस स्पेल के लिए और अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अनप्लग और रिलैक्स करना है तो जरूर रिलैक्स कीजिए अपने आप को इस क्वार्टर में क्योंकि बहुत पावरफुल चेंजेस लेकर आ रहा है ये क्वार्टर अब देखते हैं अगला क्वार्टर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए